सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग यूके चंदन ब्लॉगर में, और मैं हूं अभी अपने घर पे और दिन के बजे हैं 4। तो अब आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं घर से। दोस्तों आज भी धूप बहुत बढ़िया खिली है, सुबह बारिश हुई थी मॉर्निंग में, लेकिन अभी साफ़ है मौसम, धूप है। तो आज हम चलते हैं सुभाष नगर लालकुआ, कुछ वहाँ से लक्षित गोट फार्म के लिए बकरियाँ लेने। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, पसंद आती नहीं आती हैं। लक्षित भाई आज अपने फार्म की बकरियाँ खुद लेने जा रहे हैं, हमें पसंद आएगी तो ही लेके आएंगे, ऐसा लक्षित ने बोला है। मुझे पसंद आएंगी तभी मैं लेके आऊँगा, नहीं तो नहीं लेके आऊँगा। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, बकरियां ले हैं, गाड़ी करनी है बैग और गाड़ी हमने कर ली बैग। तो अब लक्षित बैठेंगे, वही चलेंगे हम, क्योंकि लक्षित ने ही आज सिलेक्शन करना है बकरियों का। ये बहुत ही स्टाइलिश है लक्षित, बहुत ही पसंद है अपने गोटिंग के लिए, गोट फार्मिंग के लिए बकरी लेने के लिए। रुद्रपुर नहीं जाना है, लालकुआ जाना है। तो मिलते हैं आपको, आप वहीं जाके दिखाएंगे बकरियां। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्र के घर पे। यह रुद्र, हाय रुद्र, हेलो। और यहाँ से यह रुद्र घर, यह भूमि। अब इसके बाद हम जाएंगे बकरी, जिनके घर में बकरी हैं उनके वहाँ, क्योंकि रुद्र की मम्मी ने ही हमें बकरी के बारे में बताया था। ये हमारा भांजा है, तो आपको कैसा लगा हमारे भांजे से मिलके? ये लक्षित है, लक्षित आज रुद्र से मिलने आया है। तो ये कभी कभार सिब्बू मेरे दोस्त सिब्बू के यहाँ भी आता है, ये कभी कभी सिब्बू के वहाँ भी आता है, मतलब आता है ना, मैं भी आता हूँ। गुड। तो अब दिखाएंगे आपको सीधे बकरियाँ। एक बुरी खबर है दोस्तों, जिनके घर में बकरियाँ थी उनने बेचने से मना कर दिया। बताओ उतने दूर से यहाँ बुला दिया, कम से 15-20 किलोमीटर से, और लास्ट में बोल दिया कि नहीं बेचेंगे। गलत बात है ना, ये बुरा लगा आई होप, लेकिन कोई बात नहीं, फिर किसी को वहाँ से ले लेंगे। लेकिन ऐसे किसी को बुला के मना नहीं करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि हमारा नाती जो है मना कर रहा है, और ये कि बोलता है कि खाना नहीं खाएगा, रो रहा है, ये कर रहा है। हो सकता है लगाओ, लेकिन हमें नहीं बुलाना चाहिए था। जब हमने कंफर्मेशन किया था कि है नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि 3 बकरियां हैं और 1 बकरा है, लेके जाओ, ये बोला था, लेकिन अभी मना कर दिया। चलो ठीक है, देखते हैं और कहीं सर्च करेंगे और कहीं से ले लेंगे। लेकिन अभी आज मैं सोच रहा था अच्छी बात है मिल रहे हैं तो, लेकिन मिले नहीं। 200 रुपये मिलते हैं मेरे को भाई। वो दोस्तों लक्षित को नहीं मिली बकरियां, तो लक्षित को कैसा लग रहा है? लक्षित बुरा लग रहा है इसको, उनने बकरियां दी नहीं और लक्षित से। हाँ तो लक्षित बताओ क्या हुआ? दोस्तों हमारे साथ हो गया स्कैम, हम इसको स्कैम बोलते हैं, स्कैम करना। हम बहुत दूर गए थे, प्रैंक हो गया। तो कम से कम 15-20 किलोमीटर गए घर से और फाइनली हमको बकरी नहीं मिली। लक्षित जो है काफ़ी खुश था बकरी के नाम से कि बकरियां लेके आएंगे, मिली नहीं, दिए ही नहीं, मिली क्या नहीं, उनने मना कर दिया कि हम बेच ही नहीं रहे।
शायद रेट को लेके या फिर रेट की तो कोई बात ही नहीं हुई थी कि ऐसा ऐसा है ऐसा है, उन्होंने खुद ही बोला था कि इतने पैसे चाहिए। हमने उसमें कुछ रेट का ऊपर नीचे भी नहीं किया था, फ़ोन में बात भी नहीं की थी। तो देखते हैं, ये हो गया स्कैम। लोगों ने लोग फायदा उठा लेते हैं, और जिनसे हमारा बीच में संपर्क था वो उन्होंने भी कंफर्म नहीं किया कि देंगे नहीं देंगे, तो हमारी भी मिस्टेक रहेगी, पता कर लो एक बार और। बीच में फाइनली हम घर को निकल चुके हैं और घर पहुंचने वाले हैं, लगभग घर पहुंचने वाले हैं और सामने पहुंचे हैं नंबर 2 में फील्ड पे। दोस्तों ऐसा बुरा लगा, क्या बताऊं, मुझे गुस्सा भी आया उनको देख के, बुरा भी लगा। अगर हमें कोई चीज़ देनी नहीं है किसी को तो वो बोलना भी नहीं चाहिए। पहले बोल लो कि आप, हम ये चीज़ निकालना चाहते हैं, उसके बाद बेचना चाहते हैं, उसके बाद आप कहो कि नहीं अब नहीं बेचना चाहते, जब हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो गलत है। हम अपना टाइम छोड़ के, टाइम निकाल के आए थे, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला हुआ था, क्या करेंगे। चलो ठीक है, उनकी अपनी अपनी मर्जी है, किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते कि तुम दे ही दो, अगली बात बात करो। ठीक है, फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, और घर में भी सभी ने पूछा कि क्या हुआ, हमने बोला हमारे साथ स्कैम हो गया। बकरी स्कैम आज का टाइटल, तो ये हुआ आज। और लक्षित घर आके गेम खेलने लग गया, तो बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं, नहीं मिले नहीं मिले, तो मेरे सब्सक्राइबर हैं यहाँ। तो दोस्तों देखिए लक्षित, ए लक्षित के साथ लक्षित के फ्रेंड हैं, और ये कर रहे हैं रेसिंग। अभी ऐसे रेसिंग नहीं होती, बैठो पहले, पूरा बैठो, ठीक है, जब मैं रेडी स्टडी गो कहूँगा आपने दौड़ना है, ठीक है। तो रेडी स्टडी गो, तो ये बहुत दूर निकल गए हैं दोस्तों, ये एक तो घर से लेके अपने वो रेस से बाहर हो गया है, और अब देखते हैं फर्स्ट कौन आता है। ये देखिए यहाँ पहुँचे हैं, ये दौड़ ले लक्षित हमारा दौड़ रहा है, तो फर्स्ट आता है सेकंड, क्योंकि थक चुका है, ये फर्स्ट वानी आई और सेकंड लक्षित। हाय, ये हमारी यूट्यूब फैमिली, और ये सब फ्रेंड है लक्षित के, और ये आए आज लक्षित से मिलने, उसके गोट फार्मिंग को देखने आए थे, और उन्हें इनको बताया गया था कि आज दो और सदस्य, दो चार और सदस्य जुड़ सकते हैं हमारी फैमिली में, गोट फैमिली में, तो नहीं आए, और तो ये आ चुके हैं मिठाई खाने लक्षित से, लेकिन क्या करें, बकरियाँ तो आई नहीं, तो इसलिए इनके साथ भी स्कैम हो गया। इनके साथ मिठाई स्कैम हुआ था, हमारे साथ बकरा स्कैम हुआ था, तो सेम टू सेम हो चुका है। लक्षित को नहीं मिली बकरियाँ, बोलो लक्षित को नहीं मिली बकरियाँ। स्कैम कर दिया आज हमारे साथ बकरी स्कैम। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, व्यस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अगर मस्त और व्यस्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।